मध्य प्रदेश में इन दिनों आदिवासी राजनीति जोर पकड़ रही है। बीजेपी और कांग्रेस में आदिवासी हितैषी बनने की होड़ लगी है। वहीं आदिवासी संगठन जयस भी बीजेपी को चुनौती देने से पीछे नहीं है। एक बार फिर जयस और बीजेपी आमने सामने है। इस बार मामला है टंटिया भील का। इंदौर जिले के मऊ में टंटिया भील की समाधि और मूर्ति है। यहाँ पर हर साल टंटिया मामा के बलिदान दिवस पर आदिवासियों का रेला लगता है। आदिवासियों के नायक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टंटिया भील की इस मूर्ति पर हर साल आदिवासी फूल मालाएं चढ़ाकर पूजा अर्चना भी करते हैं। जयस जैसे संगठन हर साल यहाँ पर टंटिया मामा की समाधि पर जाते हैं और फूल चढ़ाते हैं। जयस के मुताबिक राजनीतिक दल तो आ जा रहे हैं, लेकिन जयस टंटिया मामा को हर साल याद करता है। का युवा आदिवासी समाज के वरिष्ठ जन कई वर्षों से आदिवासी महान क्रांतिकारियों को याद करते आए हैं और कई ऐसे महान क्रांतिकारी उनके इतिहास हम ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं। समाज के वरिष्ठ जनों के माध्यम से हमने आदिवासी योद्धा भीमा नायक को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी युवाओं ने अपने जेब खर्चे के पैसे इकट्ठे करके एक मूवी बनाई है और जन जन तक उसको फैलाया है। आज हम लोग हमारे जो महान क्रांतिकारी है जिनको आदिवासी वोट को साधने के लिए जो राजनीतिक दल षड्यंत्र पूर्वक अब मनाने लगे हैं उनको आदिवासी समाज का पढ़ा लिखा युवा मुंह तोड़ जवाब देने लगा है और ऐसे आयोजनों से हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है। महू के पास पाताल पानी में टंटिया भील की समाधि बनी हुई है। अब तक पाताल पानी नाम से यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है जिसका नाम बदलने का ऐलान सीएम कर चुके हैं। जयस टंटिया भील को भील समुदाय के जन नायक के तौर पर देखती है, जिसकी वजह से अब जयस भी टंटिया मामा का बलिदान दिवस मना रही है। जयस सोशल मीडिया के जरिए जनता तक टंटिया भील के फैक्ट और उनसे जुड़ी जानकारी सर्कुलेट कर रही है। जयस की बढ़ती गतिविधियां बीजेपी और कांग्रेस के आदिवासी वोट बैंक के लिए चुनौती बनती जा रही है। हालांकि कांग्रेस की माने तो आदिवासी संगठन सभी एक साथ काम करते हैं। चाहे जयस हो या कोई भी सामाजिक संगठन हो, जब तक वो समाज को मजबूत करने का काम करते हैं हम उनके समर्थन करते हैं। और हमारा ये प्रयास रहता है जितने भी आदिवासी समर्थक संगठन हैं वो ये हकीकत समझे कि कौन उनका है और कौन उनका पराया है। और जिस तरह से बीजेपी कोशिश ये प्रयास कर रही है कि हर ऐसे संगठनों में अपने लोगों को निकाले तोड़े और उनको बीजेपी भी काम करवाए, पर हकीकत में ये है कि जब जब बीजेपी की सरकार आई है आदिवासियों का शोषण बढ़ा है। वहीं बीजेपी का भी अपना मत है। बीजेपी मानती है कि कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक ही माना है। 2014 से पहले जब तक केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और मध्य प्रदेश में भी अगर आप देखें 2003 से पहले जिस तरीके से आदिवासियों का शोषण किया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उस वोट बैंक को बहकाने के लिए, उसके वोट डिवीजन के लिए एक कांग्रेस की बी टीम के तौर पर जयस को खड़ा किया गया था। पर हाल ही में जो 4 उपचुनाव हुए हैं उसमें जोबट के परिणाम बहुत स्पष्ट दिखाते हैं कि आदिवासी अंचल के जो भाई बहन हैं वे जानते हैं कि अगर सबका साथ सबका विकास और सबके लिए प्रयास करने वाला कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद अब अफसरों की फौज टंटिया मामा की समाधि पर पहुँच कर तैयारियों का जायजा ले रही है। इसके अलावा सरकार पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंटिया भील के नाम पर रखने का प्रस्ताव पहले ही केंद्र को भेज चुकी है। दरअसल मध्य प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस मनाए जाने के बाद से राजनीतिक दलों में आदिवासी के हितैषी बनने की होड़ मची हुई है। सरकार आदिवासियों के लिए अलग अलग ऐलान कर रही है, योजनाएं लेकर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस आदिवासी नेताओं के साथ बैठके हैं। ऐसे में जयस की बढ़ती हुई गतिविधियाँ दोनों ही दलों के लिए चिंता का विषय है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ दीप्ति चौरसिया, न्यूज़ स्टेट, एमपीसीजी।